नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। एंजल्स की हिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में हमने देखा कि 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद अगले जो मुगल रूलर्स थे वो बहुत वीक थे। एक इतिहास के टीचर के नाते तीन कारण मैं ऐसे देखता हूं जिनकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता चला गया। मराठे, जाट, सिख, सतनामीज, बुंदेले एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके मां भारती के पटल पर आए। तो हम दृष्टि डालेंगे 18th सेंचुरी के उन सभी इवेंट्स पर और जो तीन रीजंस रहे। निश्चित रूप से औरंगजेब वॉज द वन, हिज बीइंग इंटॉलरेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सक्सेसर्स आफ्टर हिज डेथ वर वेरी वीक। उसके अलावा बाहर से आक्रमण होना भी एक कारण रहा मुगलों को और ज्यादा कमजोर करना। फिर चाहे उसमें नादिर शाह के इन्वेजन हो या अहमद शाह अब्दाली हो, और निश्चित रूप से मराठों का इतना स्ट्रोंग होना, जाटों का स्ट्रोंग होना, सिख, सतनामीज और बुंदेल बहुत सशक्त होकर एकजुट होकर उभरे और उन्होंने मुगलों की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। आइए थोड़ी सी नजर डालते हैं पहले, इससे पहले कि हम शिवाजी के बारे में, इससे पहले मराठों के, सिखों के बारे में, जाटों के बारे में पढ़े। पहले नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, दो लुटेरे, उन पे नजर डालते हैं। नादिर शाह वॉज द शाह ऑफ पर्सिया, ईरान। जी हां, ईरान को ही पहले पर्सिया कहा जाता था एंड ही टुक द थ्रोन ऑफ पर्सिया इन 1736। इन 1738 ही कॉन्कर्ड कांधार एंड काबुल। 1739 में हरियाणा में एक स्थान है करनाल, हरियाणा में करनाल दिल्ली के पास ये स्थान है। अगर एग्जैक्टली जानना चाहें तो पानीपत से थोड़ी सी दूरी पर ये स्थान है करनाल। 1739 में इन द बैटल ऑफ करनाल द मुगल वर डिफीटेड। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैप्चर किया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। वहां पर मुगल सम्राट केवल देखता रहा, कुछ कर नहीं सकता था और दिल्ली लुटती रही। डायमंड्स, रूबीज ऑफ द पीकॉक थ्रोन, उसके अलावा कोहिनूर, और यहां तक कि
नादिर शाह जाते समय बहुत सारी इंडियन गर्ल्स को इतना कमीना था वो, बहुत सारी इंडियन गर्ल्स को और बहुत सारे लोगों को स्लेव बना कर ले गया। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों हाथी हॉर्सेस कैमल्स वर लोडेड विद द लूट। लूट का सामान इतना ज्यादा था कि सैकड़ों एलिफेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स एंड हॉर्सेस वर लोडेड। दोस्तों, नादिर शाह के इस आक्रमण के बाद अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान अभी तक दिल्ली के अधीन हुआ करता, अब वो इंडिपेंडेंट हो गया और वहां पर अहमद शाह अब्दाली रूलर बन गया। अहमद शाह अब्दाली रूलर बनने के बाद ये भी वही काम किया जो नादिर शाह ने किया, लूट का। 1748 में, यानी कि नादिर शाह के लगभग 9 साल बाद, इन्होंने इंडस रिवर पार करी और लाहौर, इंडस रिवर पार करके लाहौर को इन्वेड किया और फिर इसके बाद 3 और आक्रमण किए। हिज फोर्थ इन्वेजन वॉज इन 1756-57। अहमद शाह इन्वेडेड मैनी प्रोविंसेस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली। देखिए, उन्होंने मुगल एम्परर को तो रखा लेकिन एक पपेट मुगल एम्परर बना दिया जो केवल किले के अंदर रहना उसका काम था। और मुगल एम्परर जब तक कश्मीर, पंजाब और सिंध पर, पाकिस्तान में सिंध पर जब तक उसका रूल मानेगा तब तक उसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो पपेट रूलर था, ये था आलमगीर सेकंड। तो इस तरह से इस पपेट मुगल सम्राट का तो काम केवल महल में रहना था, हकीकत में ये अहमद शाह अब्दाली के लिए लूट का रास्ता खुल चुका था। लेकिन इस बीच मराठे बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे इससे अगले ही वीडियो में, किस तरह से औरंगजेब से लेकर के और अहमद शाह अब्दाली तक मराठों की ताकत के सामने सब कांपते थे। हम देखेंगे इस बारे में भी, लेकिन फिलहाल ये बताना यहाँ पर आवश्यक है कि 1758 में मराठों ने पंजाब पे कब्जा कर लिया, जो अमृतसर अहमद शाह अब्दाली ने कैप्चर किया था वो एक साल बाद ही मराठों ने छुड़वा लिया। और फिर लगभग 3 साल तक पंजाब पर मराठों का रूल रहा। तो इस समय मराठों का रूल बहुत बड़े हिस्से पर हो चुका था। आप अंदाजा लगाइए कि लगभग यहां से शुरू होके और यहां तक ये पूरा मराठा टेरिटरी हो गई थी। इतनी बड़ी टेरिटरी, पंजाब तक का एरिया मराठों के अंडर आ गया था। लेकिन 1761
द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठाज लॉस्ट एंड आफ्टर दिस इन 1773 अहमद शाह अब्दाली डाइड. सो दिस वीडियो वी एंड अप हियर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रेट पावर ऑफ द मराठाज राइट फ्रॉम छत्रपति शिवाजी एंड देन लेटर ऑन वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द बुंदेल्स द सिख द सतनामीज एंड द जाट्स. इन द नेक्स्ट वीडियोज आई शैल बी टॉकिंग इन डिटेल. प्लीज कीप वॉचिंग and keep answering my questions. Thanks for joining.